करनाल में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा आज वीरवार को सीएम हाउस का घेराव किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। नगर पालिका कर्मचारी संघ के नेता ने कहा कि हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज द्वारा कोरोना काल में जो कर्मचारियों के साथ वादे किए गए थे उनको पूरा करने के लिए नगर पालिका कर्मचारी संघ सरकार से लगातार मांग कर रहा है, परंतु सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा देने की बात कही गई थी, 100-100 गज के प्लाट देने की बात भी कही गई थी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही गई थी एवं अन्य मांगे भी सरकार द्वारा पूरा करने का वायदा किया गया था, परंतु सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है। इसलिए आज नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा करनाल में सीएम हाउस का घेराव करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के नाम ज्ञापन दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगर पालिका कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। नगर पालिका कर्मचारी संघ का प्रदेश स्तर पे ये पूरे मंत्रियों के आवास पर ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम बनाया है उसमें हमारा 25 अप्रैल जो कोरोना काल में चलते हुए ये जो अनिल विज जी के साथ जो मीटिंग हुई मंत्री जी के साथ उसमें सरकार अपने समझौते को लागू करे, 4,000 रुपये जोखिम भत्ता कर्मचारियों का, 50 लाख का बीमा कोरोना के चलते अगर किसी कर्मचारी की मौत होती है तो 10 लाख से बढ़ा करके 50 लाख रुपए का बीमा लागू करे, 100-100 गज के प्लाट लागू करे। सरकार के साथ हर समझौता हमने किया, लेकिन सरकार कोई लेटर जारी नहीं करी। सरकार झूठ झूठ बोल करके टरका देती है, और सरकार या तो अपनी बदियों से बाज आए यानी पूरे प्रदेश में 32,000 कर्मचारी आंदोलन करेगा और पूर्ण रूप से हड़ताल का काम छोड़ हड़ताल करेगा, इसका खुमाजा हरियाणा सरकार को भुगतना होगा। मैं वीर बानपिटलान नगर पालिका कर्मचारी। आज आप कहां पर आए हैं? आज आप कहां पर आए हैं? आज हम यहां सीएम आवास पर आए हैं ज्ञापन देने, आए कोई और ज्ञापन ले और हमारी मांगों का विस्तार से। आज हमारा ये प्रदर्शन 25 अप्रैल और 17 जो अगस्त का समझौता है हमारा उसको लागू नहीं किया सरकार ने अभी तक। बार बार हमारे को जो सरकार है एक जुमला समझ गया, एक जुमलेबाजी कर रही है हमारे साथ कि सरकार बार बार धोखाबाजी और हमारे साथ एक ऐसी नीति और ऐसी चाल चली जा रही है जिसका हम बार बार विरोध करने के बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही। अगर सरकार हमारे 25 अप्रैल समझौते को नहीं मानती और हमारे 200 कर्मचारी जो ठेके से बाहर करे गए हैं उनको वापस नहीं लेती तो हम इस आंदोलन को राज्य स्तर पर और तेज करेंगे और जिसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.